हिसाब से टैक्सेशन करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, इससे दाम में भी भारी अंतर रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आगामी समय में, चूंकि ये जीएसटी काउंसिल का विषय है, क्या मंत्रालय या सरकार जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दर समान हो और कुछ दर में गिरावट भी आ सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। Sir, I would like to inform the honourable member that the issue. Sir, petrol के GST दायरे में आने की ये भी आपने बहुत डाउट है। लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं, चूंकि ये 2010 में जब UPA 2 की गवर्नमेंट थी, उस समय उस तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करके एक नई व्यवस्था इस देश में दी थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हर रोज़ मॉनिटरिंग होगी और उसके हिसाब से दर ऊपर नीचे होगी। पहले पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होता था, अब पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों पर एक नियामक है, वो उस पर नियंत्रण करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल की जो कीमतें होती हैं उसके हिसाब से कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। मैंने अभी पार्लियामेंट में आग्रह किया था कि चूँकि भारत सरकार जो टैक्स लेती है 27-28 रुपये टैक्स भारत सरकार वसूल करती है, उस पर सरकार गरीब को अनाज, किसानों की मदद, आवास योजना में मदद, दूसरे जो आपके कोविड के समय जो महामारी आई उसमें योजनाओं पर खर्चा, कितने तरह की जो फंड इकट्ठा होता है वो सरकार आम आदमी की मदद के लिए वो फंड खर्च करती है। विसंगति इसमें यह है कि अभी राज्य की सरकारें भी उसमें टैक्सेस लेती हैं, तो दोनों तरह का टैक्स मिलके काफ़ी हो जाता है। हमने आग्रह किया था कि GST में इसको शामिल किया जाए, तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि GST काउंसिल अगर इस तरह के प्रस्ताव सरकार को भेजेगी, स्वाभाविक रूप से इसको GST में शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है आज नहीं, आगे आने वाले समय में, कि ये अगर GST काउंसिल सहमत होगी, चूँकि GST काउंसिल राज्यों के वित्त मंत्रियों और भारत सरकार के मंत्री वित्त मंत्री के मेंबरशिप में ये काउंसिल चलती काम करती है अपना, जब कभी GST काउंसिल अगर भेजेगी इस तरह का प्रस्ताव बना के, तो सरकार के लिए आसान भी होगा और देश के लोगों को उससे सीधा लाभ भी मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।